वैसे तो तुम इतने अच्छे गाने लिखते हो, पर जब भी मेरे लिए कुछ लिखने बोलती हो ऐसी मेनस्ट्रीम सी लाइनें मारने लग जाते हो। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अच्छा तो मैं जाऊं? अगर बात ही नहीं करनी तो क्या करेंगे यार? तुमको सिर्फ बात नहीं करनी तो कुछ और तो कर ही सकते हैं।
था कि मैंने फिल्म ले ली, अब तुम जैसा चाहते थे ना सब वैसा ही होगा, मेरी कला का श्रेय मुझे मिलेगा, उसकी कमाई मेरी होगी और नाम भी मेरा ही होगा। अब तो तुम बहुत खुश होगी ना? हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर याद रखना, तुम ना वही फिल्म लेना जो मैं तुम्हारे लिए चूज करूँगी, फिर देखना तुम्हारा करियर कैसे आसमान चूमता है पारी। और ना मैंने माँ पापा से तुम्हारे बारे में बात भी कर ली, आज तुम घर आ जाओ, हमारी जिंदगियाँ बदल जाएगी पारी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। थैंक यू। बदल तो गई थी जिंदगियाँ, आकांक्षा और पारितोष के जीवन में ना पैसों की कमी थी ना नाम की। आकांक्षा अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलने और रिसर्च करने में व्यस्त रहने लगी और पारितोष उनकी मांगें पूरा करने लगी। इस बीच पारितोष और आकांक्षा एक हो गए, लेकिन दूरियां लेकिन दोनों के बीच बढ़ने लगी। खैर, कब की लोगों की इस दुनिया में पारितोष को लेकिन एक दोस्त भी मिला, उसके जैसा कविता से प्यार करने वाला, उसको समझने वाला मित्र। आकांक्षा और कला से दूरी पारितोष को नशे के पास ले गई। आकांक्षा इन सबसे अनजान थी। धीरे धीरे पारितोष को नशे की बुरी लत लगी और वो घर जाने की जगह पूरे पूरे दिन नशे में धुत रहने लगा। मित्र को यह सब देखा नहीं जा रहा था और एक दिन वह आकांक्षा के पास पहुंच गया। आकांक्षा कहाँ हो तुम? क्या हो गया मित्र? क्या हो गया? अरे बर्बाद हो गया है पारितोष, बर्बाद, नशेड़ी हो गया है वो। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ, कुछ बता भी है तुम्हें तुम क्या कर चुकी हो और क्या कर रही हो? तुम्हारे गुरूर का धुआं इस घर में इतना फैल चुका है कि तुम्हें तुम्हारे पति के नशे की बू तक नहीं आती। जबान संभाल के बात करो, तुमसे कुछ कह नहीं रही क्योंकि तुम पारितोष के अजीज हो, लेकिन अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। धन्यवाद, कम से कम मुझे इत्तला करने के लिए कोई तो है कि मैं मेरी हदें पार कर रहा हूँ, वरना तुम तो पता नहीं क्या क्या कर चुकी हो और क्या कर रही हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं किया तुमने? पारितोष की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। क्यों लेकर आई पारितोष को ऐसी दुनिया में जहाँ कभी आना ही नहीं चाहता था? क्योंकि मैं पारितोष से प्यार करती हूँ, उसको उसके हिस्से का नाम दिलाकर क्या गलत कर दिया मैंने? आकांक्षा मुझे नहीं पता तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन पारितोष अब तुम्हारा नहीं रहा, उसने शराब से निकाह कर लिया है। अब तुम भी देखोगी जब गृहस्थी के कागज पर शराब की बूंदे गिरती है तो क्या होता है। तुमने सही नहीं किया आकांक्षा, तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत किया हमारे लिए, बहुत किया।
कभी कुछ गलत चाहा नहीं, लेकिन हमने क्या चाहा था, ये कभी जाना नहीं, ये कभी समझा नहीं। ये जादुई नगरी है, जादू तो होते हैं यहाँ। किसी को दौलत और शोहरत मिलती है, किसी को बेकारी और बर्बादी, किसी को दौलत। दुनिया यहाँ पर लेकिन चलती रहती है, जिंदगियाँ लेकिन कभी कभी तबाह हो जाती है।